क्या उसे। हेलो था? गाइस, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। बोलो। गुड मॉर्निंग। तो गुड आज मॉर्निंग। हम सैटरडे को बहुत सुबह सुबह जल्दी उठे हैं क्योंकि आज हम जाने वाले हैं। मेडिकल चेकअप कराने के लिए। सो ही इज नॉट एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम 2 साल के बाद हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं और बेसिकली पूरी बॉडी का चेकअप होगा। मैं खुश बहुत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से अपनी एक स्ट्रेसफुल लाइफ और अपनी लाइफस्टाइल, अपना फूड हैबिट इतना बदल चुका है 2 साल में। पता नहीं कितनी लिस्ट आएगी। बट पता तो होना चाहिए ना। ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। नहीं बट वी ऑल्सो रिकमेंड हर एक को, मतलब एक एज के बाद 25 और समथिंग सबको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए साल में एक बार। हमारा स्किप हो गया था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, बट इस बार हम फिर से जा रहे हैं करवाने। सो आज सैटरडे है और हम अर्ली मॉर्निंग उठ चुके हैं। 8 बजे उठ गए थे हम। चाय के बिना तो मेरी आंखें नहीं खुलती। हेलो आज हमें कुछ नहीं पीना। सो चलो चलते हैं अब। हर बार की तरह मैं हमेशा पहले रेडी हो जाती हूँ और पंकज कुछ ना कुछ भूल जाता है और वो हमेशा लेट करता है। यूजली लड़कियां लेट करती हैं और यहाँ पे ये महाशय हमेशा लेट करते हैं कहीं भी जाने के लिए। अभी हम ऑलरेडी लेट हैं। चलो हाँ चलो। चलो। मुझे डर लग रहा लास्ट में पानी भी भूल गए थे, मैं लेके आई अभी है। अरे वो जाके डर फिर के मारे से। सब भूल गया। एक अच्छा मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मतलब इंजेक्शन तो नहीं वो सीरेंज वो लगेगा। खून निकालेंगे, पता नहीं कितना खून निकालेंगे। कुछ नहीं होगा। अच्छा कोई खून चूसता है, कोई खून निकालता है। 6 साल हो गए, गाड़ी बड़ी कब होगी। ठीक है भाई, अभी हॉस्पिटल आ गए हैं, मैं नर्वस हूँ, देखते हैं कैसे जाता है पूरा दिन। पूरा दिन लग जाएगा वैसे, जितने भी हमने टेस्ट लिए हो, इतना बड़ा पैकेज लिया, पूरा दिन लगने वाला हाँ 3-4 बजे तक तो बोला ही था। है। पता नहीं कैसे, मुझे एक तो हॉस्पिटल से बहुत घबराहट होती। चलो चलो कुछ नहीं। वहाँ लिखा ना सैंपल कलेक्शन, हिंदी में बोले तो नमूना कलेक्शन। इतने सारे टेस्ट। इतना खून निकालने के बाद लगता है कि किसी को मुझे डोनेट करना पड़ेगा खून। अरे ये तो इस तरफ देख भी नहीं रही है। पूरा खून निकाल लिया। अच्छा क्या है यहाँ पे? बहुत भूख लग रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों का खाना भी कितना अच्छा होता है। ऐसा नहीं लगा कोई होटल में खाना खा रहे हो। दर्द हो रहा है? हाँ बहुत भूख लगी है। तुम्हारे भी नंबर लगने वाले हैं ना। उसने पहले बोला तो था हल्का सा, पर उसने बोला अगर ठीक है तो नहीं, अब फिर से चेक करते हैं देखते हैं। मेरा बड़ा वो मिलेगा। यहाँ पे दोनों साइड से खून निकाल लिया इतना सारा। मेरा एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर जगह से। हाँ इसको कॉपी। कैसा लग रहा है? मेरा तो पता नहीं क्या क्या हाई फाई होगा। कोई नहीं, कितना ज्यादा आ रहा है। अच्छा ऑयल भी यूज करते हैं, वो कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करते हैं, फिर भी ज्यादा है। हम कुछ ज्यादा ही अच्छा ऑयल यूज करते हैं थोड़ा। हाँ इतना महंगा महंगा ऑयल यूज करो और ऊपर से रिपोर्ट में भी हाई आई आए। हाँ वाह, ये तो पूरा प्रॉपर लंच हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कि हम बाहर खाना खाने आए हुए हैं, है ना। अच्छे से सीडी कॉफ़ी पी रहे हैं, ये क्या है, बटर बनाना केक खा रहे हैं, पफ खा रहे हैं, इतना अच्छा एम्बियंस लग रहा है। सही है नहीं? ऐसा होता ना, एग्ज़ाम दे दिया, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लग रहा है।
और अगर जिसको पता हो ना कि एग्ज़ाम कितना गंदा गया है, उसको तो पहले से पता होता है रिजल्ट क्या आने वाला जैसे कि हम लोग, और अभी वही खा रहे हैं। कौन सा हेल्दी खाना खा रहे हैं हम लोग? कभी कभी वेरी कभी बैड। और कभी कभी डाइटिशियन, डाइटिशियन से बात करनी थी ना, लाफ वो बताएगी देखना। हाँ वो जो एक चीज में चिपकाते हैं ना बॉडी पे, चेस्ट पे कुछ, वो जो ग्लू टाइप का समथिंग, वो नर्स चिपका रही थी, मुझे हंसी छूट गई इतनी गुदी गुदी हो रही थी। अरे वो तो फिर भी ठीक था, वो जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे ना, तो वो बंदा भी वो लगा रहा यहाँ, वो प्रेस कर रहा, और मैं भाई पहले से मेरे को इतना ज़्यादा के सुसु आ रहा है, तो ज़्यादा करेगा मेरा यही निकल जाएगा और मैं हंसी भी आ रही थी, तो वो भी समझ रहा था। तो अभी हमारे सारे टेस्ट हो गए, अभी हम बस वेट कर रहे हैं कि कंसल्टेशन देखेंगे कैसा रहेगा, जो डाइटिशियन से भी बात करनी है, वो बताएंगे कैसा रहेगा। ख़राब ही रहेगा आई नो, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी है बॉडी में हमको ना। अभी कितने बज गए हम? दो बज गए। और हाँ 2 बज गए, खाना खाते खाते आधा घंटा हो जाएगा, फिर कंसल्टेशन की बारी पता नहीं कब आएगी, वो 4 तो बज जाएंगे यहाँ पे। तो भाई अभी हमारा हो गया सारा चेकअप, हेल्थ चेकअप सो कॉल्ड। अभी 4 बज गए, हमें कितने घंटे लग गए पूरा चेकअप कराने में, और अभी हम जा रहे हैं एक और हॉस्पिटल, एक चेकअप और बाकी है जो यहाँ पे होता नहीं है, तो हमें स्पेशली वो करवाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं वहाँ पे, आज का पूरा दिन इसमें लग जाने हैं। सो फाइनली हम घर आ गए, काफ़ी थक चुके हैं। दूसरे वाले हॉस्पिटल का तो एक्सपीरियंस ही बहुत ख़राब रहा, वो डॉक्टर ही नहीं आया जो हमें अपॉइंटमेंट का टाइम दिया हुआ था, उससे 50 मिनट हो गए। हमारा छोड़ो, हमसे पहले भी कितने सारे पेशेंट्स थे, वो भी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, एक दो लोग तो चले गए, हम भी वापस वहीं से निकल गए कि इनके नंबर नहीं हमारे के नंबर आएंगे, और मूड सा ख़राब हो गया था। तो वहाँ से हम आ गए दूसरे हॉस्पिटल में, जाके दिखाएंगे, इतना अर्जेंट भी नहीं है। अब लगी है भूख, भूख मतलब इतनी गंदी भूख लगी है, और अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई खाने की। तो अभी मैं और संध्या खा रहे हैं हमारा फेवरेट मसाला डोसा और देख रहे हैं यंग सल्जन। तो फाइनली हमारा सब चेकअप वगैरह हो गया, रिजल्ट्स ठीक थे, कुछ ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। पर तो डॉक्टर ने बोला है ध्यान रखने के लिए, लो फैट डाइट लेने के लिए और बाहर का ना खाने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है, और हाँ फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए भी। हाँ फिजिकल एक्सरसाइज तो मतलब हर एक के लिए जरूरी है, तो बस वो लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है, बाकी सब तो ठीक है। बट द पॉइंट इज कि हमें मॉनिटर करना चाहिए हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे सिम्टम्स क्या क्या हैं, अगर वो कुछ सीरियस हो तो पहले मालूम पड़ जाए ये हेल्थ चेकअप है, तो वो अच्छी बात है। तो हाँ यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट आवर हेल्थ। राइट, बट हमारा हो गया एंड नाउ वी आर हैप्पी। हाँ तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। हम लोग वीकली व्लॉग्स में घुस चुके हैं ऑलमोस्ट, और हम हर वीक कुछ ट्राई करते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर वो देखने लायक है या दिखाने लायक है तो हम डेफिनेटली उसको शूट करें। तो ये सोचा कि ये एक तरह का एक अवेयरनेस वीडियो की तरह ही मान लो कि हाँ भाई हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, तो सोचा कि हाँ इसको हम शूट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो वही डन, हमने किया। सो बाय, हैव अ हैप्पी वीकेंड, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज प्लीज, सब्सक्राइब। या प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।